आई मीन लुक एट दिस दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल मेरे कर्लर से भी मुझे इतना अच्छा कर्ल नहीं मिलता है आई लव दिस टेक्निक तो अगर आपके पास स्ट्रेटनर है कॉन्ग्रेचुलेशन यलिजिबल

पटुआ एंड ए एच ए बी एच ए स्कैब स्क्रब आई डोंट नो इफ आई एम प्रनाउंसिंग द पटुआ राइट और नॉट बट या दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी तो ये इस तरीके से ओपन एंड क्लोज हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट एंड ट्रेवल फ्रेंडली है अगर बात करें इसके टेक्स्चर की तो बिल्कुल भी रन ही नहीं है इट हैज़ लिटल थिंक बट वेरी वेरी लाइट वेट टेक्स्चर जस्ट लाइक अ सीरम और आप देखो कितनी जल्दी मेरी स्किन में ये एबजॉर्ब भी हो गया सो so इसको आपको अपने प्री शैम्पू की तरह या प्री पू की तरह यूज करना है तो आप इसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे ही अप्लाई करोगे एंड मसाज इट यूजिंग योर फिंगर टिप्स उसके बाद 10 मिनट तक इसको अपने बालों में रख के यू हैव टू वॉश इट यूजिंग योर नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर ऑल्सो मेक श्योर टू टेक अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड अवॉइड गोइंग इन टू डायरेक्ट सनलाइट इमिजिएटली आफ्टर यूजिंग इट सो वाइल दिस सिट्स ऑन माई हेयर लेट्स टॉक अबाउट द थ्री मेन इन्ग्रीडियंट्स तो तो सबसे पहले इसमें है जो कि आपके हेयर को अच्छे से स्ट्रेंथन करता है साथ ही साथ इट गिव्स यू लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर एंड शाइन टू योर हेयर सेकेंडली इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड विच इज एच ए जो कि आपके स्कैल्प को जेंटली एक्सफोलिएट करता है वाइल्ड रिमूविंग द डांड्रो फ्रॉम योर हेयर एंड सॉफ्टिंग योर हेयर

स्लोक डेन टू द मिरर ऑन माई स्कैल्प एंड द लिटिल बिट ऑफ डांड्रव जो मुझे हुआ था बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर इज लिटरलीर गॉड एंड माई स्कैल्प डज नॉट फील ग्रीसी एट ऑल इट इज लाइक सुपर सुपर क्लीन एंड आई रियली रियली लाइक हाउ इट परफॉर्म्ड ऑन माई स्कैल्प लाइक जितना भी बिल्डअप था बिकॉज आई डोट एन टू यूज अ लॉर ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स ऑन माई स्कैल्प इज वेल लाइक कर्लिंग क्रीम एंड सीरम्स एंड ऑल दैट स्टाफ तो स्कैल्पे काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाता है एवरी थिंग इज क्विकी क्लीन नाउ एंड इट इज अ

करती जितना पॉसिबल हो हरी पहले मैं अपने बालों को सेक्शन कर लेती हूँ तो मैं ये क्राउन एरिया लेके इसको ऊपर क्लिप कर लूंगी एंड आई विल स्टार्ट विद माय बॉटम हेयर फर्स्ट तो अगर आप लोगों के बाल नेचुरली स्ट्रेट एंड फ्रिज फ्री वो वाला टेक्स्चर है आपके बालों का सो यू कैन स्किप दिस वीडियो टू द कर्लिंग पार्ट बिकॉज अभी मैं अपने बाल पहले स्ट्रेट करूँगी बिकॉज आप देख सकते हो मेरे बालों का टेक्स्चर कैसा है हैव वेवी टू कर्ली हेयर सो डायरेक्टली तो वेव्स या कर्ल्स नहीं काम करते दे डोंट लुक गुड एंड ऑल्सो बाल फ्रिजी लगने लगते हैं सो इन जस्ट शॉर्ट मोमेंट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हाउ आई स्ट्रेट इन माई हेयर क्योंकि दैट इज वॉट आई डू मोस्टली तो सबसे पहले मैं अपने नीचे के बाल स्ट्रेट करती हूँ एंड स्टाइलिंग करने से पहले ऑलवेज यूज अ हीट प्रोटेक्टेड सो आफ्टर दैट मैं थोड़े थोड़े से अपने बालों के सेक्शन लूंगी लाइक सिर्फ इतने इतने ताकि अच्छे से स्ट्रेटन हो जाए आप चाहो तो थोड़ा मोटा सेक्शन भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वथ ऑफ योर स्ट्रेटनर नाउ आई विल रन इट थ्रू माई हेयर लिटल स्लोली एंड बिकॉज मेरे बाल अभी पूरे तरीके से सूखे नहीं थे सो इट इज स्टीमिंग अप लिटल इस तरीके से मैं अपने सारे बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ आई लाइक टू गो ओवर द सेम स्टैंड टू आइस नॉट लेस नॉट मोर तो इससे मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं सो दिस इज़ हाउ आई वॉक तो अगर आप लोगों के स्ट्रेटनर की विर्थ थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है तो आप ज़्यादा मोटा सेक्शन ले सकते हो वो टेक योर लिटल लेस और टाइम बट अगर मैं थोड़े ज़्यादा थिक सेक्शन लूँगी, तो मेरे बाल अच्छे से स्ट्रेट नहीं होंगे कुछ स्ट्रैंड्स अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे एंड देन डैट वुड नॉट लुक इवन सो या दिस इज हाउ आई स्ट्रेटन माई हेयर एंड ऑल्सो इस स्ट्रेटनर को मैं ऑलमोस्ट अबाउट फाइव ईयर से यूज़ कर रही हूँ इट हैज़ वर्कड रियली रियली ग्रेट ओवर द ईयर्स बट नाउ आई वु से आई एम बोर्ड ऑल्सो विद द स्ट्रेटनर एंड अब इसका इफेक्ट उतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहा जितना स्टार्टिंग में रहता था ऑल द इट स्टिल वर्क रियली ग्रेट बट आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ चेंजिंग लाइक माई हेयर स्ट्रेटनर तो अगर आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे नीचे ज़रूर देना वरना मैं वापस इसी को ले लूँगी एंड या yeah, I will straighten my hair now. Okay, so now my hair is all straight and I love this look. And आप लोग भी मुझे काफ़ी comment करके बताते ho कि आप लोगों को मेरे पे straight बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं So yeah, there you go. This is how I straighten my hair. Just जस्ट रिमेंबर टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेड बिफोर यूजिंग एनी हीट स्टाइलिंग टूल उसके बाद मैं एक हेयर सीरम यूज कर लेती हूँ थोड़ा सा बस एक दो तो ड्रॉप अपने हाथ में लेके कर एंड देन आई विल रन इट ऑल थ्रू माई हेयर क्योंकि इससे आपके बालों का थोड़ा बहुत जो भी फ्रेज है वो हट जाता है एंड देन आपके बाल थोड़े से शाइनी भी लगते हैं इससे तो यूजुअली मैं जैसे अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ उसी तरीके से मैं पहले क्राउन सेक्शन को क्लिप कर लेती हूँ एंड देन मैं पीछे के बाल पहले करती हूँ बट uh, आगे के बालों में आप लोगों को दिखाने के लिए आसानी रहेगी सो आई डिमॉन्स्ट्रेट ऑन दीज हेयर फर्स्ट मैं इतना सेक्शन लेती हूँ अगेन It will depend upon the thickness of your or you know, width of your straightener. So, this is the top of your straightener. You will hold it like this horizontally. You will insert the hair like this and fold. Now, you will swipe it all till the bottom, and there you have the perfect curl. आई मीन लुक एट दिस दिस लुक्स सो ब्यूटिफुल मेरे कर्लर से भी मुझे इतना अच्छा कर्ल नहीं मिलता है आई लव दिस टेक्निक अभी आप लोगों को अगर समझ नहीं लगा होगा तो आई विल शो यू वंस अगेन आपको अपना स्ट्रेटनर ऐसे हॉरिजोनटली पकड़ना है अपने बाल यहाँ पर आप ऐसे ले कर आएँगे बंद किया स्ट्रेटनर एंड रोटेटेड अब जो टॉप पोर्शन है वो नीचे सो so बेसिकली आपको इसको वन एटी डिग्री घुमाना है एंड देन यू विल रन इट टिल दॉटम एंड दे यू हैव योर परफेक्ट कर्ल तो इसमें एक ये चीज़ है कि आप अगर अपने स्ट्रेटनर को बहुत टाइटली प्रेस करके धीरे धीरे स्वाइप करोगे तो आपको इससे भी ज़्यादा टाइट कर्ल्स मिलेंगे और अगर अपने स्ट्रेटनर को आप फटाफट से नीचे रन कर दोगे तो आपको इससे भी लूज वेवस मिलेंगे जिस तरीके के कर्ल आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हो नाउ आई शो यू द सेकेंड टेक्निक सो वॉट यू हैव टू डू फोर दैट इज़ अगेन आपने एक छोटा सा से सेक्शन लेना है हेयर का नाउ दिस यू माइट फील अ लिटिल बिट सिंपलर क्योंकि उसमें जिस तरीके से रोटेट करना है वो थोड़ा सा यू नो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपने अपना वेगा ये स्ट्रेटना हॉरिजॉन्टली पकड़ना है अब अपने बालों को ऊपर वाली रॉड पे ट्विस्ट करना है नाउ क्लोज इट एंड डाउन एंड देव यो परफेक्ट गॉल आई शो यू गा इज वंस अगेन बेसिकली टेक्निक सेम ही है बस अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है जो पहला वाला तरीका था कि कितना आपको अपना यू नो स्ट्रेटनर को रोटेट करना है तो इसके लिए आपको ये वाला टेक्निक थोड़ा ईजी लगेगा मैं आपको रेफरेंस के लिए ये वेगा से बताती हूँ तो ये वेगा वाला साइड अभी ऊपर है तो आपने इसी वाली रॉड में अपने बालों को यहाँ पीछे तक लाया बंद किया नाउ टू वे स्टेट अब ये वेगा वाला साइड नीचे है एंड देव यूर कॉल सो आई होप आपको समझ में लगा होगा कि हाउ आई डिड दिस तो मैं क्विकली अपने सारे बालों को कॉल कर लेती हूँ एंड देन आई शो यू हाउ टू स्टी सो अभी मैंने अपने सारे बाल कॉल कर लिया एंड यू कैन सी दिस इज वॉट दे लुक लाइक मैंने पीछे के बाल उतने ज़्यादा प्रिसाइसली नहीं किए बिकॉज एनी वेज दे डोंट शो अप मुझे अपने बाल ऊपर से ऐसे कॉल पसंद नहीं है सो so मैं ऐसे रैंडमली ऊपर से थोड़ा थोड़ा अपने बालों को स्ट्रेट कर देती हूँ बिकॉज आई लाइक अ फ्लैटर लुक एंड देन नीचे दे विल सो यू कैन सी इट फ्रेम्स माई फेस रियली वेल सो आई विल डू दिस ऑन द अदर साइड ऑल्सो दिस इज अ वॉट माई हेयर लुक्स लाइक नाउ नाउ मैं अपने फिंगर्स रन करूंगी है कर्ल करूं में जस्ट टू लूज इन दैम लिटल वैसे अगर आप इनको ऐसे भी छोड़ दोगे तो थोड़े टाइम में अपने आप ही खुल जाते हैं मुझे थोड़े से लूज लूज ही पसंद है सो दैट इट लुक्स अ बिट मेसी एंड नॉट लाइक प्रॉपरली डन क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो अन नेचुरल लगता है सो so, ऐसे मैंने अपने बालों के कर्ल्स थोड़े से लूजन कर लिए बट लाइक अगर आप वेडिंग में जा रहे हो या फिर यू आर डूइंग अ ब्यूटिफुल अप टू तो आप प्रॉपर कर्ल्स में भी कर सकते हो सो so, अभी जब मैंने लूजन किया है सो दिस इज़ वॉट माई हेयर लुक्स लाइक नाव तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल से वेव्स लग रहे हैं सो दिस इज हाउ आई लाइक टू स्टाइल माय हेयर अगर आपके पास स्ट्रेटनर है तो आप पचासो हेयर स्टाइल कर सकते हो यू कैन कर्ल योर हेयर स्ट्रेटन योर हेयर वेव्स दे सकते हो बीची वेवस अ लॉड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू विद द स्ट्रेटनर सो या दिस वॉज ऑल फोर टू डेज वीडियो आई होप यू लाइकड हाउ माई हेयर टर्न आउट इन द या अभी मैं जाके काफी सारी विडियो शूट करने वाली हूँ माई हेयर इज ऑलरेडी फॉर दैट सो या अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट डाउन बिलो आई वुड डेफिनेटली डू अ पार्ट वु जहां पे मैं कोई और हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी आपको अगेन यूजिंग अ अस्ट्रेटना और इफ़ यू वॉन्ट मी टू ट्राई लाइक हीटलेस कर्लिंग मेथड्स तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ ऑल दो मैंने एक दो किए भी वे तो मैं वो आई बटन में लिंक कर दूंगी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट next to it so that every time i upload a new video you get notified now i will see you super super soon in my next video till then stay safe stay healthy bye bye